नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। यूपी के बांदा में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक हफ्ते पहले हुई लूट के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लूट में शामिल तीनों लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लुटेरों के पास से पुलिस ने लूटा गया सामान भी बरामद कर उन्हें जेल भेज दिया है। बता दें कि 23 जुलाई की रात देहात कोतवाली क्षेत्र के मवई में एक ई रिक्शा वाले से कुछ अज्ञात बदमाशों ने लूट किया था। ई रिक्शा चालक की चांदी की चेन, जेब के रुपए, एक मोबाइल फोन और ई रिक्शा लूटकर बदमाश फरार हो गए थे। पीड़ित रिक्शा चालक की बदमाशों ने पिटाई भी की थी। इस मामले में देहात कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लुटेरों की तलाश की जा रही थी। एसओजी टीम और देहात कोतवाली की टीम ने इस लूट में शामिल तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से ई रिक्शा, चांदी की चेन, एंड्रॉयड फोन और 400 रुपए बरामद किए हैं। मामले की जानकारी देते हुए अपर एसपी लक्ष्मी निवास मिश्रा ने बताया कि रिक्शा चालक को लूट के बाद बदमाशों ने बुरी तरह से मारा भी था, जिसको एक पुलिस कांस्टेबल ने अपना खून देकर उसकी जान बचाई थी। अपर एसपी ने लूट का खुलासा करने वाली टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है। दिनांक 23 जुलाई को एक ऑटो रिक्शा चालक को तीन लोगों ने सवारी के बहाने कि हमें मऊ चौराहे पर छोड़ दीजिए ले गए, फिर कहा थोड़ा और आगे छोड़ दीजिए, फिर इन लोगों ने उसको चाकू मारी और ई रिक्शा लूट लिया। आज हमारी एसओजी टीम, कोतवाली देहात की टीम, क्षेत्राधिकारी नगर और जो शिक्षणाधीन है क्षेत्राधिकारी श्रीमती अम्बुजा त्रिवेदी की टीम ने इनको गिरफ्तार किया है। सभी को जेल भेजा जा रहा है। जो इंजर्ड था उसको पुलिस ने तत्परतापूर्वक रेफर कराया था हैलट हॉस्पिटल, जहाँ पे पुलिस ने उसको 2 यूनिट खून दिया जिससे उसकी जान बच सकी है, और पूरी टीम को इसमें पुरस्कृत किया जाएगा। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।